हेमंत सोरेन क्यों पसंद है? हम लोग की जाति है। अच्छा, तो भाजपा कह रही है कि घुसपैठिए मुसलमान आ गए हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, आप ऐसा कोई मामला है आपके यहाँ? किसी का पसंद होता तो इसीलिए बेच रहा है, जमीन बेच रहा है जी। अच्छा, लोग खरीद रहे हैं जी। अच्छा, हम लोग का समय तो उसको कब्जा करने नहीं देंगे, कब्जा कभी भी नहीं देंगे। पार्टी कौन सा, तीर धनुष की कमल छाप? कमल छाप नहीं है, उठो तीर धनुष है, हम लोग आदिवासी का। हेमंत सोरेन हाँ, किसको पसंद करते हैं? हम हेमंत सोरेन, मैं कहना जा रहा हूँ कि जो है उसी को पसंद नहीं करते हैं। हेमंत सोरेन जी नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह माल पहाड़ी में मौजूद हूँ। पाकुड़ का ये छोटा सा जगह है, आप हमारे आसपास भी देख सकते हैं, ये एक गांव है जहाँ चापानल चला रहे हैं, लोग इससे पानी लेते हैं, और आप घर भी देख सकते हैं किस तरीके के घर हैं। इधर एक चूल्हा देख रहे हैं जल रहा है, लेकिन देश में तमाम लोगों ने खूब हल्ला किया कि इसी देश में उज्ज्वला योजना चल रहा है और किसी बहन के आंख से धुआं नहीं होगा, तमाम मुद्दे हैं चुनावी। अब हम बातचीत करते हैं यहाँ के लोकल लोगों से। दादा, आप अपना नाम बताइए। यही घर है, यही गांव है, यही। इस बार किसको मतदान करेंगे, क्या मन में है, क्या मुद्दे हैं? तो हम लोग तो बोले तो हम लोग को परीक्षा है ये हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्यों पसंद है? हम लोग की जाति है। जाति है, जाति है। अच्छा, तो भाजपा कह रही है कि पाकुड़ में और पूरे झारखंड में घुसपैठिए मुसलमान आ गए हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, आप ऐसा कोई मामला है आपके यहाँ? कब्जा तो, करने नहीं जा देंगे उसको। अरे भैया, इठो, जैसे हम लोग को जो परीक्षा है तो परीक्षा है, जैसे हम लोग रोजी रोटी नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग को जिसका जो खेती का पैसा के थोड़ा बहुत टर्न होता है, इसीलिए किसी का पसंद होता तो इसीलिए बेच रहा है, जमीन बेच रहा है जी। अच्छा, लोग खरीद रहे हैं जी। अच्छा, हम लोग का समय तो उसको कब्जा करने नहीं देंगे, कब्जा कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। हम लोग का आदिवासी जमीन है, आदिवासी में ही रहेगा, आदिवासी जमीन है, आदिवासी। कैसे भी हम लोग गरीब रहे ना, भिखारी से हम मांग के खाए उससे, लेकिन उसको घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। तो हम लोग नहीं, हम लोग आपके आसपास कोई मुसलमान है? अपना जमीन है, नहीं ना, कोई घुसा नहीं है। हम दूसरे लोगों से भी समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दादा, आपका नाम? बबला किस्कू। बबला किस्कू, देखिए कुछ लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। दादा, अपना नाम बताओ। क्या नाम बताएंगे, अपने कुछ नहीं देता है, क्या बता रहेंगे हम। आप नाम तो बताओ अपना। नाम बताइए। मंगल मुर्मू। मंगल मुर्मू। मुर्मू जी, यहाँ इस बार किसका माहौल है? बाबूदन का है। हाँ, बाबूदन का है। बाबूदीन, बाबूदन का है, मुर्मू पर इसमें बाबूदन है, आदिवासी है। आदिवासी है। कौन सी पार्टी? कौन सा पार्टी? पार्टी कौन सा, तीर धनुष की कमल छाप? कमल छाप नहीं है, उठो, तीर धनुष है, हम लोग आदिवासी का। हेमंत सोरेन हाँ। हेमंत सोरेन क्यों पसंद है? क्यों पसंद है उतना तक मालूम नहीं है, फिर भी पसंद है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अब कल चुनाव है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठिए आ गए हैं मुसलमान, आपके आसपास कोई है? मेरे आसपास तो आया नहीं हुआ है, कपड़ छपा नहीं आया, नहीं आया। आप जानते हैं किसी ऐसे लोगों को जो घुसपैठिए हैं और आपके गांव में रहते हैं? जानते हैं, पहाड़ से जानते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है? नहीं है, नहीं है। आपका नाम? सूरज। यही गांव है? यही गांव का है। भाजपा कह रही है कि कई लोग मुसलमान घुस गए हैं, है क्या ऐसा? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं। किसको पसंद करते हैं? हम हेमंत सोरेन। वोट किसको करेंगे? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ठीक है। फिर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो असली नाम बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं लिखा पढ़ा इंसान हूँ मैं, फिर भी मेरा बात कोई यकीन नहीं आ रहा। आप नाम बताएं अपना। बाबूलाल किस्कू। बाबूलाल किस्कू, बबला बबला। कौन पसंद है बाबूलाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर मैं कहना जा रहा हूँ कि जो है उसी को पसंद नहीं करते हैं। हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं? हाँ। अच्छा, भाजपा कह रही है कि कई लोग मुसलमान यहाँ घुस गए हैं, घर बना लिया है, घुसपैठिए हैं, आपके यहाँ है कोई? नहीं है। ऐसा कोई नहीं है? नहीं है।
ये चुनाव है और लाजिम बात है कि मुद्दे भी कई होंगे, तो भाजपा ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है और इस पर मुखर है। वहीं जेएमएम का लगातार ये कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट भी छपी है जिस रिपोर्ट पे घमासान मचा हुआ है। हम समझने की कोशिश कर रहे थे, पाकुड़ में मौजूद हैं, आदिवासी गांव है ये माल पहाड़ी, हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार क्या है माहौल और सच में क्या कोई ऐसी घुसपैठ हुई है, सच में क्या कोई बांग्लादेशी जमीन पर है। लेकिन सबने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ।